नारायण हरि नारायण। खिल्ली उड़ाते समय विनोद करके भी वो महापुरुष कितनी दया बरसाए, कितनी पुरानी आदत थी कर्मकांड की, साफ सुथरे सच में रहने की, नियम जाप करे फिर का ना करे सब, शरीर इंद्रियों की सहायता से जो भी साधन भजन होगा वो दो नंबर का होगा, एक नंबर का तो किसी की आवश्यकता नहीं, उसी में आ गए। मेरा शरीर अच्छा हो तो साधन हो तो ये दो नंबर का है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, जो है सो है। तो ये जरूरी नहीं कि मरते समय आप ठीक हो तो ये बढ़िया हो, माला घुमाते घुमाते मर जाए तो सदगति हो। अरे शरीर कहराता हो बीमार हूं, हाय रे मैं तो मर गया, अरे मर गया, फिर भी आपको बंधन नहीं हो सकता है, ऐसा ज्ञान का नशा होता है। अभी मैं यहां चिल्लाने लगूं कि मेरे को भूख लगी है, मैं बीमार हूं, मैं फलाना हूं, गरीब हूं, जेठे माँ का बेटा हूं, वो भी मेरी माँ चली गई, हाय रे हाय करके रुदन करूं और ऐसा रो कि तुम भी रोने लग जाओ, तो इससे क्या मेरा असली ज्ञान चला जाएगा क्या? हाँ? बात है, ऐसा असली चेतन स्वरूप का ज्ञान पालो, फिर मौत के समय जो मन करता है शरीर करता करता तो करता जाओ। ब्रह्मा जी को जो अपने बेटे पर प्रसन्न होकर जो ऊंची बात सबसे ऊंची लगी वो अब आपको मैं सुनाने को प्रयत्न कर रहा हूं। ब्रह्म विद्या, तो महाराज ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म क्या होता है? अंतःकरण में जो चेतन है जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, आंख देखती है, वो करती है, जो ज्ञान स्वरूप है अंतःकरण में, तो उसको आत्मा बोलते हैं। और अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्राय अनंत ब्रह्मांड उसी में है, उसको ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा। एक होता है जीवात्मा, दूसरा होता है परमात्मा, तीसरा होता है ब्रह्म। शरीर में जो चेतन है जीने की इच्छा करता है, इंद्रियों से जुड़ा है, तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। माया में जो चेतन है और जिसके संकल्प से सृष्टि बनती और चलती और कर्म का संविधान होता है, वो है ईश्वर का आत्मा। तो हमारा शरीर में ममता है, जीने की इच्छा है, तो जीवात्मा। उनको ममता नहीं और अपने आत्मा को ज्यों का त्यों जानते तो वो है परमात्मा, भगवान। और वो भगवान की सृष्टि, भगवान प्रगटे, जीव प्रगटे, उसके पहले जो था और भगवान लीला समाप्त कर लेंगे, जीव समाप्त हो जाए फिर भी जो नहीं जाता है वो ब्रह्म है। तो जो जीव का आत्मा है वही ईश्वर का आत्मा है, वही ब्रह्म परमात्मा है। घड़े का आकाश, कांच के महल का आकाश और महाकाश, तीनों एक है। गंगू तेली और राजा भोज दोनों एक है। गंगू तेली अपना तेलीपना का अहंकार छोड़ दे और राजा भोज अपने राज्य और वैभव को छोड़ दे, मनुष्यता में दोनों एक है। ऐसे ईश्वर अपनी माया का महंता और जीव अपने शरीर की अहंता छोड़ दे तो ईश्वर का आत्मा, जीव का आत्मा एक हो जाता है। ही है होना क्या? और जब ऐसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते कि आज जीव हमारा रूप हुआ, आज ये जीव हमारा रूप हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश का वो परम मित्र हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी। अच्छा भाई, वशिष्ठ महाराज राम जी को क्या कहते हैं? ये अपना नियम पूरा करो शास्त्र का,
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं ऊंची भुजा करके बार बार पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है तब तक मूढ़ ही रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार से दूर नहीं होता। चाहे चंद्रमा उदय हो, अग्नि का समूह हो या द्वादश सूर्य इकट्ठे उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। बारह सूर्य चमके, हजार चंदा चमके, फिर भी हृदय का अज्ञान नहीं जाता। जड़ शरीर को मैं मानते, संसार को मेरा मानते, वहाँ सुख ढूंढते, वो मूढ़ता से बेचारे फंस जाते। मैं ऊंची भुजाएं करके कहता हूँ कि अपने चेतन स्वभाव का सुख ले लो, लेकिन वो जड़ धर्मी मेरा नहीं मानते और दुख भोग रहे हैं खाम का। चाहे सौ सौ जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। महीना दो महीना पहले गिड़ गिड़ करा, थोड़ी देर के बाद नहीं होंगे, फिर वही का वही, ये मजा ले ये मजा ले। अरे मजा तेरा अपना वहाँ बिखेर के काय को खपता है, उस मजा के असली में पहुंच जा, बस मौज ही मौज है। संयम कर, पाप से आकर्षण से विकारों से अपने को बचा, तब निर्विकार चैतन्य में ठहरेगा। और ज्यों ठहरेगा त्यों ये फीका लगेगा। छा रखियो है नक मथे खणी दिस तो बोगा पिछू पी मन वार वात तो कहीं बैक्टीरिया से भरे पा है। शरीर में हड्डियां है दो और आड़ी हड्डियां है, मांस है, मल है, मूत्र है, विष्ठा है, रोग है, रत है। ऐसा शरीर प्यारा लगता है तो वो चेतन की प्यारा है, तो वो चेतन अपने आत्मा है, उसको जानना, उसी में खुशी रह। खा के सुख लेना, भोग के सुख ले नहीं, तबियत शरीर की संभाल रखने के लिए खाओ पियो, लेकिन सुख जड़ चीजों से मत लो, सुख अपने आत्मा से लो। शांत बैठो, सुख स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, भगवत चिंतन, भगवत जप, भगवत ध्यान, सेवा कार्य, अंदर का सुख जगाओ। बाहर से सुख अंदर मत भरो, अंदर का सुख बाहर बांटो। हे राम जी, जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो जाए और स्त्री स्वामी की नाई हो जाए तो उसको देखकर लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले को दीनहीन देखकर हंसते हैं कि चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिरा देता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को आत्म विचार रूपी कुंदे से वश करो। ये चंचल मन जीव को गिरा देता है, इसलिए चंचल मन को आत्म विचार रूपी कुंडे से वश करो। ये मिल जाए वो मिल जाए फिर क्या कंजरा, यहाँ जाऊँ फिर आखिर क्या, अपने आत्मा में आओ ना। बंद कमरे में 7 दिन मौन की साधना करो, देखो कैसा आनंद आता है। 7 दिन के बदले में तो आपके नांदेड़ का वो शिक्षक आया होगा कि नहीं आया है तो फिर मिले मेरे को बाद में। वो नांदेड़ का शिक्षक था, वो प्रकाश आश्रम में मौन रहा तो बोले बाहर से ताला लगा दो, खिड़की से खाना दे देते। 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना 12 महीने के बाद ताला खुलवाए और बोले कैसे चले गए पता नहीं, बड़ा आनंद आया। पूनम व्रतधारी है कि पूनम को आने वाला था, बोला था मैं कब 2-4 दिन बाद में रहने की छुट्टी बुट्टी लेके आना, वो छोटे स्कूल का प्रिंसिपल है, नांदेड़ का है, 12 महीने प्रकाश आश्रम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। नंदरबार से आगे प्रकाशा, जो प्रकाशा के हैं तो हाथ ऊपर करो, ज्यादा नहीं होंगे, प्रकाश आश्रम के नहीं है, प्रकाशा, प्रकाशा में देखा था ठीक।
इस बार हमने क्या करा कि आश्रम में जगह तो बहुत है, फिर भी इतनी भीड़ होती कि चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो जानबूझ के पब्लिक थोड़ी अपने अपने इलाकों में थम जाए, इसलिए प्रकाशा में होली करके आया। 200 किलोमीटर दूर वाले वहीं, ये नासिक वालों को दिया था कि वहीं नासिक, ये दूसरी तीसरी चौथी जगह करके ऐसा आया कि इस बार शिविर में थोड़ा भीड़ भाड़ थोड़ा अति न हो जाए, फिर भी महाराज कल और हो जाएगा। हालांकि 12वीं की 10वीं की परीक्षाएं भी लगभग चालू हो गई, फिर भी तो वह है, लोगों को माल मिलता है, टनाटन पाए काय को छोड़े। सब कुछ करने के बाद भी जो चीज नहीं मिलती वो यहाँ सहज में मिल जाता है। नौकरी करो, धंधा करो, पैसा करो, ये करो, वो करो, फिर सच्चा सुख मिलता है क्या? इधर सच्चे सुख की झलकें मिलती है, सूर्य की एक किरण भी सूर्य की खबर है, ऐसे सच्चे सुख की एक झलक भी सच्चे सुख की खबर है ना। अभी कोई खाने पीने का विषय विकार का सुख थोड़ी है, अपने आत्मा का चेतन का सुख है ना। ऐसा नहीं कि बैठने की सुविधा मस्त है, घर में ज्यादा है फिर भी वो असुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना लेटने की सुविधा है, ना घूमने की सुविधा है, ना गपशप की सुविधा है। सारी सुविधाएं घर पर रह गई, इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं, फिर भी इन सुविधाओं के बीच में जो सुख नहीं था उससे ज्यादा सुख है तभी बैठे हो, नहीं तो बैठने वाले नहीं। वो जड़ का सुख है, यहां स्व का सुख मिल रहा है। नहीं तो अमेरिका छोड़ के काय को आएगी है स्मिता? हाँ तो डॉलर, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, कई दुकानें हैं, अपना कॉरपोरेशन है, पर वहाँ वो ऐसा नहीं मिलता, जड़ है, इधर चेतन। पुनो छोड़ के वरी हिते कुरु अच्छे तो के कर तो कुरु तो करे कैस बापा चंडियो न करे, इते कुछ ब्यो जाए। नारायण हरि। हाँ जी तो पूरा करो, देर करता है। हे राम जी, जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है तैसी और किसी भी उपाय से नहीं प्राप्त होती। जो चेतन में विश्रांति पाते वो निर्वासनिक पुरुष होते, उनके संग दर्शन से जो शीतलता मिलती है ऐसी और तपस्या और धन वैभव से नहीं मिलती। हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, केवड़े का अत्र छल रहा हो, और चांदनी रात हो पूनम की, स्वर्ग की ललना आकर कंठ लगे, फिर भी इतना निर्दोष सुख नहीं होता जितना ज्ञानवान के हृदय में चम चम चमकता है, और उनके दर्शन सत्संग से भी निर्दोष सुख मिलता है। जो अप्सरा कंठ लगे तो काम विकार कमर तोड़ कार्यक्रम होगा, यहाँ दिल जोड़ कार्यक्रम हो रहा है साहब। ओए हो, तो बोलो। ज्योत से ज्योत जगाओ,